स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कार्यकारिणी की बैठक में स्वामी प्रसाद ने रखी थी अपनी बात, बाहर से आए नेता को संगठन की कमान नहीं देना चाहते थे अखिलेश। कार्यकारिणी के बाद से ही अखिलेश और स्वामी में कोल्ड वार लगातार देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी बात भी सामने रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर साफ तौर से अपनी इच्छा जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर दी कि वो नहीं चाहते कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष बने स्वामी। लेकिन अब उसके बाद से ही दोनों के बीच वॉर देखा जा रहा है। तो कार्यकारिणी की बैठक में स्वामी प्रसाद ने अपनी बात रखी थी। तो देखिए, आपको बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें स्वामी जो है वो उन्होंने अपने सपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात सामने रखी थी सपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश के साथ साथ जो बैठक हुई थी उसमें अपनी कुछ बातें सामने रखी थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पाई है। तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात को सामने रखा था, लेकिन बाहर से आए किसी भी नेता के हाथों में अखिलेश जो है वो कमान नहीं सौंपना चाहते थे। संगठन कमजोर होने की वजह से अखिलेश यादव ने ऐसा कोई भी विकल्प जो संगठन को कमजोर कर सके नहीं वो चुनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने मंथन के बाद नरेश उत्तम पटेल को दोबारा सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद से ही स्वामी और अखिलेश में लगातार देखा जा रहा था कोल्ड वॉर चल रही थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो सूत्र ये जानकारी दे रही है कि कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा प्रदेश अध्यक्ष वो बनना चाहते हैं, अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इससे मना कर दिया। अखिलेश ने मंथन किया और उसके बाद नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से सपा प्रदेश अध्यक्ष का जो कमान है वो सौंप दी। सूत्र ये बता रहे हैं कि सपा कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद से ही स्वामी और अखिलेश में लगातार कोल्ड वॉर देखी गई है। तो जिस तरीके से अपनी इच्छा जाहिर की गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया। और हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये खबर सामने आ रही है इस वक्त कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं था। देखिए, लगभग बन चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्या। स्वामी प्रसाद मौर्या चुनाव 22 में हार गए, अखिलेश यादव ने उन्हें MLC बनाया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उनकी जो हसरत और उनकी महत्वाकांक्षा वो कम नहीं हो रही थी। वो अपने तरफ से लॉबिंग शुरू कर दिया उन्होंने और एक हद तक अखिलेश यादव भी इस बात पर मान गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्या को अध्यक्ष बना दिया जाए और नरेश उत्तम पटेल को पार्टी के अंदर लगभग 99% लोग नहीं चाहते थे कि नरेश उत्तम पटेल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने। ये पार्टी के अंदर के दिल की आवाज थी, लेकिन नरेश उत्तम पटेल न बने तो स्वामी प्रसाद मौर्या कहीं दौड़ में आगे न निकल जाएं। इस बात को लेकर आखिरी समय तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में मंथन किया और विचार किया और सोर्सेस से मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्या दौड़ में बहुत आगे जा चुके थे और नरेश उत्तम पटेल को पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता नहीं चाहता था कि वो दोबारा नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन जब दौड़ में स्वामी प्रसाद मौर्या आगे निकल गए और कुछ हद तक अखिलेश यादव की भी मजबूरी रजामंदी उनके साथ रही, तो ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल यादव सामने आए और उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात को रखा कि इससे अच्छा तो नरेश उत्तम पटेल ही को दोबारा बना दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिए, उनको मनाइए, उन्हें समझाइए कि स्वामी प्रसाद मौर्या जहां जहां जिस जिस पार्टी में रहे उसको परेशान और उनको परेशानी में उन्होंने डाला। 2000 जब वो बसपा में थे तो 2024 में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि उनके खिलाफ सुल्तानपुर में FIR दर्ज हो गया। जब वो भाजपा में आए तो प्रवासी भारतीय जब मुंबई से कर्नाटक दिल्ली से आते थे यूपी में तो उन्होंने उन्हें मौत का सौदागर कहा।
मायावती को उन्होंने दौलत की बेटी कहा, दलित की बेटी नहीं। जब वो भाजपा में आए तो तलाक, तीन तलाक को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि पार्टी असमंजस और उहापोह में फंस गई कि किस व्यक्ति को हमने गले लगा लिया। और यहाँ तो पर उनको बहुत परेशानी में ये माना जाए कि अगर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दे दिया और आप जानकारी भी दे रही हैं, अगर इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप इसी तरीके से बयान देंगे जिससे पार्टी की छवि खराब हो? देखिए, पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि खुद अखिलेश यादव उनके व्यवहार से लेकर तंग और आजीज और परेशान हो चुके हैं। उनके बड़बोलेपन से, उनके बयान से वो काफी नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, और आज इसको लेकर वो एक बड़ी बैठक अपनी पार्टी के दफ्तर में करेंगे। कल वो उत्तराखंड के दौरे पर थे, शाम में जब उन्होंने लखनऊ में पदार्पण किया तो उनके विक्रमादित्य मार्ग के घर पर कुछ लगभग आधा दर्जन विधायकों ने मुलाकात की, अखिलेश यादव से अपनी बातों को रखा। लखनऊ और आसपास के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने टेलीफोन पर बात की अखिलेश यादव से और उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में सजग और अलर्ट रहने की बात कही और कहा कि इससे पार्टी का नुकसान होगा और हम सभी लोग मुलायम सिंह के जमाने से समाजवादी पार्टी के प्रति प्यार मोहब्बत रखते हैं, आस्था रखते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति हमारा नरम रुख हमेशा से रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से काफी सामाजिक विद्वेष और विभेद होगा और 22 में पार्टी चुनाव हार गई है, 24 में भी परफॉर्मेंस बेहद खराब होगा। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अखिलेश यादव को टेलीफोनिक वार्ता के जरिए अपनी नाराजगी, अपना असंतोष जाहिर कर दिया। आज पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव बैठेंगे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। अखिलेश यादव ने मीडिया पर जाने से मना कर दिया है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कल फोन उठा रहे थे, जो बात कर रहे थे, उन सबको मना कर दिया अखिलेश यादव ने कि मीडिया में नहीं बात कर रहा है। आज इस मामले पर मौन तोड़ेंगे अखिलेश यादव और कुछ बोलेंगे, कहेंगे, वक्तव्य जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना होगा क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो पार्टी का बयान नहीं है और एक्शन भी लेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।